हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। मेरा नाम है पीयूष। और आज की इस वीडियो में हम सीडीएस का मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, 2018 का पहला। और यहाँ पे देखोगे 4 फेब को एग्ज़ाम हुआ था, और पहले 30 क्वेश्चन हम ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी की दूसरी वीडियोज़ में आई हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हम लेवल की बात कर लेते हैं पेपर की। तो पेपर का लेवल मॉडरेट था। आप आराम से, अगर एवरेज भी हो तो 60 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं गए, 60 मार्क्स, तो सॉरी 60 मार्क्स कहीं नहीं गए। आप 60 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते थे। काफ़ी ठीक पेपर डाला था और मॉडरेट लेवल का मैथ्स का पेपर था। तो ये सेट डी है जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें है आया था वो था कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। सीधा इसकी वैल्यू की हुई थी। देखिए, सीधी सी बात है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, आपको पता होगा। आप सीधा इसी से साइन स्क्वायर एक्स को कंपेयर कर सकते हो। इससे सीधा पता लग रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स सीधा कॉस एक्स बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप साइन स्क्वायर एक्स डाल दोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, और इसलिए हम सीधा कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स के इक्वल है। तो ये वाला रिलेशन, ये पर्टिकुलर रिलेशन और ये वाला रिलेशन बिल्कुल सेम है। आंसर ए आएगा, 1 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू पी दी हुई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए की वैल्यू क्यू दी हुई है। आप सीधा कर सकते हो, देखिए π/4 अगर आप वैल्यू ले लोगे तो आप π/4 लेकर हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हो। देखिए सीधी सी बात है, इसमें π/4 आप लोगे तो यहाँ पर और इधर इन दोनों को प्लस करोगे, सेम होएगा, 1/√2 होता है। तो सीधी वैल्यू हमारी √2 आ जाएगी पी की, राइट। पी की वैल्यू आ जाएगी हमारी √2। और क्यू की वैल्यू सिमिलरली कितनी आ जाएगी, अगर आपको पता हो, देखो क्यूब है, 1/√2 प्लस 1/√2, सीधा आएगा क्या, 1/√2, 1/√2 क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आप सीधा, देखिए सीधा एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये सी जो ऑप्शन है सीधा बता रहा है बॉस कि आप देखो, 0 के लाने के लिए डिवीजन में हमको √2 नहीं चाहिए, इसलिए हमको ऐसा चीज़ चाहिए जो √2 से ऊपर कट जाए। और √2 से ऊपर क्यू में कब कटेगा, जब क्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई क्यू के साथ इन दो ऑप्शंस का हो रहा है। तो इन दोनों ऑप्शंस में आप ट्राई करके देखोगे तो सी सही आंसर आएगा। ऐसे ही आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाइए, कुछ एक ऑब्वियस एलिमिनेशन होती है और दो ऑप्शंस तो पक्के एलिमिनेट हो जाते हैं। दो में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है ऐसे से पेपर में, और मोस्टली सारे क्वेश्चंस ऐसे से ही हैं। अब दो आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, फिर भी 50% की प्रॉबिबिलिटी रहती है अगर आप थोड़ा ज़्यादा जल्दी में हो। तो आप देखोगे कि थोड़ा सा समझदारी, एक बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा काम करेगी इसमें, आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। इसको इस इन ऑप्शंस की इक्वेशन में अगर आप कन्वर्ट करने लग जाओगे तो बस पेपर में तो नहीं होगा कुछ भी, टाइम निकल जाएगा और आप कन्वर्ट करते रह जाओगे। तो आपको डायरेक्ट कुछ वैल्यूज़ याद रखनी चाहिए। π/4 पहली वैल्यू होती है, एक वैल्यू आप 90 डिग्री लगा सकते हैं, यानी कि π/2 लगा सकते हैं एक वैल्यू, और एक वैल्यू आप 0 लगा सकते हैं। ये 3 वैल्यूज़ को लगा करके मोस्टली आंसर सारे आ ही जाते हैं। बाकी अगर ना आए तो आप 30 और 60 अलग ऑप्शंस में रख सकते हैं। तो अब देखो अगला क्वेश्चन भी ऐसा सा है, देखो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इसी सा क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे सारे ऑप्शंस बहुत डिफरेंट हैं। यहाँ पे बहुत इजी एलिमिनेशन है, ठीक है। 2 सिमिलर ऑप्शंस है, एक ए और डी का, ठीक है। आप सीधे सीधे आप देखोगे कि अगर आप थीटा की वैल्यू π/4 डालते हो, यहाँ पे आपने π/4 डाला, ओके, सेकेंट स्क्वायर π/4 क्या होगा, ऑब्वियसली 2, ठीक है, 2, और टैन क्या होता है, 1। तो 2 - 1 इज़ 1 और 2 + 1 इज़ 1 इज़ 3। सो 1/3 एक्स की वैल्यू पॉसिबल है। तो एक्स की वैल्यू पॉसिबल 1/3 इनमें से किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है डी, जिसमें ऑप्शन ये पॉसिबल है। सो लेट्स कम ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट। इसमें कुछ ऐसा है कि बॉस AC जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज है एंड B इज़ द हाइट। सो दिस इज A, ओके, एंड दिस इज C एंड दिस विल बी B कॉन्जिक्यूटिवली, एंड फॉर दिस देर इज अ रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम बी ऑन ए सी। नाउ अब ये परपेंडिकुलर है, इसको मान लीजिए कह देते हैं हम, इसका नाम है पी, राइट, इसका नाम है पी। और इस पी के लिए आपको ये पता है कि 4 टाइम्स है ए सी, यानी कि ए सी की वैल्यू क्या है,
फोर पी, ठीक है, ये लिखा है उस वहाँ पे कि फोर टाइम्स है ये ए सी। अब समझिए इस बात को, हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है टैन सी। अब टैन सी क्या है, मतलब ये एंगल का टैन निकालना है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये टैन सी और ये कॉट ए इक्वल होते हैं, ठीक है, कॉट ए और टैन सी इक्वल होंगे, और इसीलिए अगर आप यहाँ पे कॉट ए निकालोगे, कॉट ए क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर क्या हुआ, पी हो गया, और यहाँ पे बेस हो गया ए डी, ए डी बाय पी हो गया सीधा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे टैन सी, टैन सी क्या है, पी बाय डी सी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये कॉट और टैन इक्वल होंगे, कॉट ए इक्वल टू टैन सी, सीधा सीधा लिखा है, ठीक है। इससे एक रिलेशन आता है हमारे पास कि डी सी इंटू ए डी विल बी इक्वल टू पी, और ए डी और डी सी का गिवन है हमको क्या, सम गिवन है हमको, ठीक है, ये पॉइंट डी है, ये बताना भूल गया था, यहाँ पे है ये डी पॉइंट है, ठीक है, इसलिए बेस और ये परपेंडिकुलर बन रहा है, और इनका सम गिवन है, इनका प्रोडक्ट आ गया, तो आप ए माइनस बी निकाल सकते हो, राइट, ए माइनस बी भी आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, राइट, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, दैट मीन्स इसका दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो और इसको फोर टाइम्स करके इससे माइनस कर दोगे, तो आपको ए माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी, और इससे आपको ए डी की वैल्यू निकाल सकते हो, इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके, ये दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके आप ए डी की वैल्यू निकाल सकते हो, और उससे क्या है, टैन की वैल्यू आ जाएगी, टैन की वैल्यू क्या आएगी, टू प्लस रूट थ्री, ये पी नहीं आएगा, पी कट जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे हमको पता चल रहा है बॉस कि बी पे, सॉरी आई मीन सी पे गिवन है, तो सी पे इसका राइट एंगल है, राइट, ये है बी और ये है यहाँ पे ए, तो इधर आप देखोगे कि बी सी की वैल्यू गिवन है ए, और ए सी की वैल्यू गिवन है बी, और यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होगी, ठीक है, और इससे साथ यहाँ पे एक परपेंडिकुलर उन्होंने ड्रॉ किया हुआ है जिसकी वैल्यू उन्होंने पी दी हुई है, इससे रिलेशन निकालना है। देखिए ऐसा ऐसा कोई भी सम होता है जिसमें बीच में कोई परपेंडिकुलर दिया हो, या बीच में कोई लाइन दी हो, ट्रायंगल के बीच में लाइन दी हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुछ ऐसा सा सम है कि एक ये ट्रायंगल है और इसके बीच में ऐसे लाइन दी हुई है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको रिलेशन फाइंड करना है, राइट, कि कुछ ये नहीं फाइंड एरिया और या कुछ नहीं, सीधा रिलेशन आपने फाइंड करना है, हाँ भाई साइड्स और इस पर्टिकुलर लाइन के बीच में रिलेशन क्या होगा, सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करके आप ये सीधा ऑप्शन ए निकाल सकते हो, राइट, ऑप्शन ए सीधा आंसर आएगा, सिर्फ ऑप्शन ए ही पॉसिबल है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल यूज करके। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा रेडियस और स्लांट हाइट, ओके, रेडियस और स्लांट हाइट गिवन है, दैट इज आर और एल हमारे पास है। देखिए कभी भी कोण जब भी बनता है तो वो कुछ इस एंगल से बनता है, इस एक 2D फिगर की मदद से बनता है, इस 2D फिगर की रोटेशन से बनता है। जो नीचे वाला ये 2D फिगर क्या है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है, तभी हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि इस ट्राइंगल को अगर आप सर्कुलर मोशन में ले जाओगे, अगर आप इस ट्राइंगल को 360 मोशन में ले जाओगे, तो आपको एक कोन मिलेगा, ठीक है, और 360 मोशन में कुछ ऐसे लेके जाना है कि बस यहाँ पे ये जो इसका हाइपोटेन्यूस है उसकी वैल्यू एल होगी, एल मतलब स्लांट हाइट, राइट, ये रेडियस होगा आपका आर और ये यहाँ पे होगी आपकी हाइट, ठीक है, स्लांट हाइट आपको पता है क्या दी हुई है, यहाँ पे 13 दी हुई है, ठीक है, और आपको दिया हुआ है रेडियस 5, ठीक है, 5 दिया हुआ है, और आपको पता है कि ये पेयर होता है एक, ठीक है, 5, 12 और 13 का पेयर बनता है पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल का, ये याद रखना, 5, 12, 13 बहुत पॉपुलर पेयर है, ठीक है, एक इससे हम सीधा सीधा पता लग सकता है कि 5 और 13 अगर मुझे ये पता है, तो 12 ऑब्वियसली क्या बचेगी, हाइट बचेगी हमारी, तो हाइट को यूज़ करके और रेडियस आपको पता है उसको यूज़ करके वॉल्यूम निकालोगे, 100 पाई आंसर आएगा इसका। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या है, एक बड़ा सा सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, उसके लार्जेस्ट पॉसिबल 2 सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल 2 सर्कल्स बनाने हैं, ये जुड़े हुए हैं आपस में, यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे बड़े सर्कल का जो डायामीटर होगा, ठीक है, वो डायामीटर 2 भागों में बटेगा इस तरीके से कि इस बड़े सर्कल का रेडियस छोटे सर्कल का डायामीटर बन जाएगा, इसका मतलब कि
कि छोटे सर्कल का जो रेडियस रहेगा वो बड़े सर्कल के रेडियस का हाफ होगा। ठीक है, सीधा है ये, इसका हाफ होगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और इसीलिए जो दोनों सर्कल्स का एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इस पूरे बड़े सर्कल का हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगल सर्कल का रेडियस अगर बड़े सर्कल का हाफ है तो सिंगल सर्कल का एरिया बड़े सर्कल का एक चौथाई हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर्स पे होता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं दो सर्कल्स को ज्वाइन कर दूं तो उनका एरिया हाफ कवर हो जाएगा। तो यानी कि ए अगर पूरे सर्कल का एरिया है तो उसका हाफ रह जाएगा ए बाय टू। आप देखते हो, एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको गिवन है क्या, रेशियो है स्लांट हाइट का और उसके रेडियस का। रेडियस और स्लांट हाइट का रेशियो गिवन है, हमने उसके रेशियो किसकी निकालनी है, टोटल कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो ये एक कोन है, इसको समझते हैं पहले कि टोटल होता क्या है। देखो ये कोन है पूरा, ऐसे होता है। ठीक है, अगर मैं ये नीचे वाला सर्कल को इंक्लूड कर दूं और इस पूरे बाहरी छोर का, इस पूरे बाहरी छोर का, इस पूरे बाहरी छोर का मैं एरिया निकाल दूं, राइट, तो आप क्या बोलोगे इसको, टोटल सरफेस एरिया, मतलब जितना भी सरफेस है उस सब का एरिया होगा, टी एस ए बोल देंगे इसको। ठीक है, और अगर इसी कोन का मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोर एरिया निकालूँ, नीचे वाला सर्कल ना इंक्लूड करूँ, ये सिर्फ शेडेड रीजन जो है मेरा वो इंक्लूड कर दूँ मैं, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस ए। अब इन्हीं के बीच में आपने रेशियो में निकालनी है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पता है क्या होता है, यहाँ पे होगा ये। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा आपका, पाई आर एल, सीधा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऊपर लिखना है तो मतलब पाई आर टाइम्स एल प्लस आर, एल प्लस आर हो जाएगा यहाँ पे। और आप देख सकते हो कि एल प्लस आर बाय एल की रेशियो 1/3 होगी, उसको कॉन्सिक्यूटिवली सॉल्व करोगे तो 4/3 आंसर आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है, उसको स्लाइस कर दिया है दो पीसेस में। देखो एक स्लाइस ऐसे किया है कि एक ऊपर वाला कोन है और नीचे वाला आपका क्या है, फ्रस्टम बच गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, वो इसीलिए क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, इसको सोचने में समझने में टाइम लगता है, और यही रीज़न है कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना करा करें। ठीक है, जितना हो सकता है इसको स्किप करके आगे चलें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है बॉस, ये क्वेश्चन टाइम ज़्यादा लेता है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना करके हमको ये पहचानना है कि कौन से क्वेश्चन हमने छोड़ने हैं और कौन से क्वेश्चन हमने करने हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना करके आप आगे स्किप करें, दैट विल बी बेटर। पर अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो श्योर यू कैन डू इट, यू कैन डू प्रोसीड इट। ओके, पर अभी समझ लेते हैं ये क्वेश्चन है क्या। देखो कोन है, एक कोन में तोड़ा है उसने दो स्लाइस करके और एक फर्स्टम में तोड़ा है। कोन का और फ्रस्टम का जो वॉल्यूम है, रेशियो, वो दिया हुआ है, ये 64 रेशियो इसकी बनेगी और 61 रेशियो नीचे वाले की बनेगी। और इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हम हाइट एच ले लेते हैं, ठीक है, और टोटल हाइट बिग एच है। ठीक है, तो फ्रस्टम की हाइट कितनी हो जाएगी, एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है, ये हो जाएगी फ्रस्टम की हाइट, एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है, तो और आपको क्या पता है, आपको पता है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, h माइनस स्मॉल h इंटू पाए बाय थ्री इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर आर, ये पूरा। ठीक है, ये आर स्क्वायर क्या है, पहले तो r क्या है, ये r ये है स्मॉल r। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बिग r। अगर आप इसको नीचे तक खींचोगे, हाइट बनाओगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बिग r। ठीक है, और दोनों का रेशियो किस तरीके से दिया हुआ है, आप ये समझने की कोशिश करो कि आर स्क्वायर एच यानी कि पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री ऊपर वाले से कट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और आर स्क्वायर एच ऊपर रह जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा हमारा, आर स्क्वायर एच। ठीक है, और नीचे रह जाएगा आपका ये पूरा टर्म। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस आर आर, दोनों को आपने डिवाइड करना है आर स्क्वायर एच से, ऊपर भी नीचे भी, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो आप जैसे ही डिवाइड करोगे आपको ये मिल जाएगा एच बाय एच माइनस वन आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर बाय आर प्लस वन।
ये थोड़ा अजीब सा बड़ा सा टर्म मिलेगा, ठीक है। अब देखो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल है, देखिए ये ट्राइंगल छोटा वाला ट्राइंगल, ये जो स्मॉल कोन वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, आपस में क्या है, सिमिलर है। दैट मीन्स इनके स्मॉल एच बाय बिग एच विल बी इक्वल टू वॉट, स्मॉल आर बाय बिग आर, ठीक है, ये और छोटा आर बाय बिग आर इसके इक्वल होगा, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को यूज़ करके। और आप इस एच बाय एच को ये बड़ा वाला एच बाय छोटा एच है तो बड़ा वाला आर बाय छोटा आर रिप्लेस करके सीधा सीधा आ जाता है आर क्यूब बाय आर क्यूब माइनस वन। और इसमें आप पर यूनिट अगर देखोगे तो आप सिंपल सिंपल जल्दी जल्दी के लिए 64 आप ले सकते हो इसका एग्जैक्ट वॉल्यूम, ठीक है, और 61 इसका आप एग्जैक्ट वॉल्यूम ले लीजिए फर्स्ट टर्म का। हालांकि रेशियो दी हुई है पर आपने इसको इक्वल ले लेना है, ठीक है, थोड़ा फास्ट ट्रिक के लिए। इस ऐसे इक्वल लेकर के आपको स्मॉल आर की वैल्यू 4 मिलेगी और बिग आर की वैल्यू 5 मिलेगी। अब हमने निकालना क्या है, इनके कर्व सरफेस एरिया की रेशियोज। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, एक का तो सिंपल फॉर्मूला है छोटे कोण का, क्या है, पाई आर एल, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था पिछली स्लाइड में बताया। और इसका एरिया क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आर प्लस आर, ये याद रखिएगा, जगह जगह यूज़ होता है अलग अलग पेपर में, ठीक है, तो आर प्लस आर इंटू हाइट इंटू दिस स्लांट हाइट, ये वाली हाइट होगी, ठीक है। और अगर आप पूरे कोन की स्लांट हाइट बिग एल लेते हो तो इसका क्या बन जाएगा, बिग एल माइनस स्मॉल एल, ठीक है, अगेन वही करना है। अब मैंने बताया सिमिलैरिटी है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, स्मॉल एल बाय बिग एल भी किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर बाय बिग आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल एल बाय बिग एल भी स्मॉल आर बाय बिग आर के बराबर हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे भी आर बाय आर लिख सकते हो। सिमिलरली आपने क्या करना है, इसको आपने आर बाय आर लिख देना है और आर और बड़े आर की वैल्यू सब्सिट्यूट करके 16/9 इसका सीधा आंसर आ जाएगा बी। सेकेंड है कि ये तो बहुत क्वेश्चन इजी है, अगले वाला इसमें क्या है कि एक साइड दी हुई है 10 मीटर की, ठीक है, और आपको 2 मीटर की रेक्टेंगल की साइड दी हुई है। जैसे इसमें बोला है कि एक रूम का फ्लोर कुछ ऐसा है जिसमें जो स्क्वायर फॉर्म में है और इसमें एक आपका ट्राइंगल पड़ा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी साइड क्या है 2 मीटर, ठीक है, बहुत आसान है। और इसमें 4 बुकशेल्व्स हैं, ठीक है। अब देखो बुकशेल्स की हाइट का हमको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है कि आपने लेवल की आपको कारपेटिंग किसकी करनी है, आपको फ्लोर की कारपेटिंग करनी है। क्या लिखा है कि हाफ ऑफ द रेस्ट इज़ टू बी कारपेटेड, ठीक है, और आपने देखोगे कि आपने फ्लोर की कारपेटिंग करनी है इसलिए आपको ऊपर हाइट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी हाइट आप समझ सकते हो, देखिए कैसे होता है हमेशा गिवन डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 9 मीटर की हाइट है, इसका मतलब 9 मीटर हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है। आप देखोगे 4 into 1 यूज़ होएगा, तो 4 into 1 यानी कि 4 मीटर स्क्वायर का एरिया पर बुक शेल्फ ले रहा है, ठीक है, ऐसे 4 है तो 4 into 4 यानी कि 16 मीटर स्क्वायर का एरिया बुक शेल्फ ले रहा है। तो 100 में से आपने क्या निकाल देना है 16, और उसमें से √3 निकाल देना है। √3 क्यों, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है √3a/4, तो √3a² / 4, तो ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे 4, और डिवाइड किससे होगा 4 से, तो अगेन वही बात है कि 4 और 4 कट जाएंगे, √3 रह गया, उनको माइनस करोगे, उसका हाफ करोगे, क्योंकि हाफ ऑफ द एरिया इज टू बी लेवल कारपेटेड, तो 41.13 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, और ये इसका प्राइस होगा, सी इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रीजन ए इज बाउंडेड बाय ए सर्कल डिवाइडेड इनटू एन रीजन्स ईच ऑफ एरिया ए बाय एन बाय ड्राइंग अ सर्कल ऑफ रेडियाई R1, R2, R3। ये कुछ आप इसको कॉन्सेंट्रिक वे में ले सकते हो, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह ले सकते हो, ठीक है, जिसमें ये ऐसे डिवाइडेड हैं कॉन्सेंट्रिक की तरह है, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे आगे आगे आप बढ़ते जाओगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, वैसे वैसे आपका ये जो पर्टिकुलर शेडेड एरिया है वो इंक्रीज होता जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या आएगा इसका आंसर, इंक्रीजेस एज एम इंक्रीजेस, राइट, इसमें समझना है जरूरी है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम कट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 2a, और आप देखो इसमें क्या पूछा है,
एक कोन है एक क्यूब से कट किया गया, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, मैक्सिमम है, दैट मीन्स कोन का जो डायामीटर होगा वो क्यूब के साइड के बराबर होगा और क्यूब की साइड कोन की हाइट बनेगी क्योंकि मैक्सिमम है, ठीक है। कॉमन सेंस लगाइए इसमें ज़रा कि क्यूब की जो साइड है वो कोन की हाइट बनेगी और क्यूब की साइड ही उसका डायामीटर भी बनेगी, डायामीटर भी बनेगी, और इसीलिए मैक्सिमम वॉल्यूम सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन, रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 4 पॉइंट, इनका ये देखो ये है 4.5, ये है 3.5, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का, दैट मीन्स ये जो मिडल वाली लाइन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। वाई 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 3.5 प्लस 4.5 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 10, ठीक है। ये छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल, इनके बीच में कॉमन टेंजेंट जा रही है, इसका आपने क्या बताना है, लेंथ बतानी है। देखिए बहुत आसान है, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए ये जा रही है कॉमन टेंजेंट और इनके बीच में 2 सेंटीमीटर का स्पेस है, ये इसको हाफ हाफ में बांटेगी, ठीक है। इसका मतलब ये भाग आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भाग आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया हमारा, ऐसे कुछ ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, एक इस साइड को है ट्राइंगल, राइट, आप इधर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, और इधर से जा रहा है आपका टेंजेंट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से साइड बन रही है और यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया कि ये एक एक में बांट रहा है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये टोटल आपका था 4.5, 4.5 प्लस 1 यानी कि 5.5 जो है वो ये है, ये 5.5 हो जाएगा, राइट। ये रेडियस है 4.5 पहले ही गिवन है, इसकी हाइट आपने निकालनी है, आप एक बार इसकी हाइट निकाल लोगे, ठीक है, और आपने क्या निकालनी है, और साथ साथ इसकी हाइट निकालनी है। कैसे निकाल लोगे, इसका रेडियस आपको गिवन है, ठीक है, रेडियस 3.5 गिवन है यहाँ पे, ठीक है, और इधर मैंने जैसे बताया कि 1 सेंटीमीटर का भाग ये है और 3.5 का रेडियस ये है, तो ये क्या हो जाएगा 4.5, तो 4.5 और 3.5 के स्क्वायर्स का रूट, 3.5 के स्क्वायर्स का एक जगह आपने क्या निकालना है, रूट, ठीक है, इनका रूट, इनका स्क्वायर भी आएगा इधर, ठीक है, और दूसरी साइड सेम होगा 5.5 और 4.5 के स्क्वायर्स का रूट, और उनको प्लस कर दोगे आप, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आएगा 5.990 जो कि सी ऑप्शन 6 के बराबर है। आगे चलते हैं, देयर आर एज मैनी स्क्वायर सेंटीमीटर्स इन सरफेस एरिया एज दे आर क्यूबिक सेंटीमीटर्स इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। और आप स्फीयर की वॉल्यूम और सरफेस एरिया सेम है, सिंपल इक्वेट कीजिए, आर की वैल्यू 3 आ जाएगी, आसान था ये तो बहुत। तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज 2 सेंटीमीटर, ए बी का जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, ओके, एंड वी से दैट ए सी का स्क्वायर, सी डिवाइड कर रहा है उसको, और ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू सी बी। तो बहुत ईजी सी चीज़ है ये, ठीक है, आप इसमें समझाने के लिए लेट ए सी बी ए बट सी बी 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 एंड बी सी आई एम सॉरी ए बी बी सी, तो सी की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 2 सेंटीमीटर गिवन है, वो वैसे मैंने अभी लिख दी ऐसी, अभी करते हैं इसका भी काम आगे। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b, सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर ये क्या है, मैंने बताया ना a, और ये क्या है, ये 2 है, ठीक है, और ये क्या है, b है, हमने सी बी को b लिया है, और b की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है ना, b की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहली बात तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b, ये चीज़ गिवन है, ठीक है, और इसीलिए क्या हो जाएगा, रूट 2b इज इक्वल टू a, ठीक है, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, रूट कर दिया। a प्लस b की वैल्यू 2 है, देखो ये क्या है, ac, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 2, क्योंकि ab की वैल्यू 2 है, ठीक है ना, ये क्या है, ये a भाग है, ये b भाग है, ठीक है, तो a प्लस b इस पूरी लाइन की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, ठीक है, तो a प्लस बी 2 है। आपने a की वैल्यू यहाँ पे डाली, b का वैल्यू निकाला, ऑप्शन b बिल्कुल सही आएगा आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, बहुत सिंपल है, ठीक है, इसको डिवाइड किया है आपने किससे, किससे डिविजिबल है ये पूछा है, ठीक है, बहुत सिंपल है, 5 raised to power 17, ऐसे ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें पावर्स की डिविजिबिलिटी पूछी है, जनरली उसमें कॉमन निकलता है कुछ,
और कॉमन यहाँ पे निकलेगा सबसे छोटी पावर, पांच की, पांच की सबसे छोटी पावर क्या है, 17, 5^17 यहाँ कॉमन निकल गया, और जो बाकी का सम है वो डिविजिबल बाय किससे था, वो 13 से डिविजिबल था, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2c गिवन है हमारे को, और हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जनरली ना ऐसे से क्वेश्चन के, मतलब एक्सपीरियंसली अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस पे, तो ज़्यादातर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर वन रहता है, ठीक है। ज़्यादातर 90% ऐसे क्वेश्चंस का आंसर वन आता है, ठीक है। पर ऐसे ऐसी प्रोबेबिलिटीज पे मत चलो, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम लिया, ठीक है, ए बी, और यहाँ पे ए सी और ए सी कट जाएगा, ए बी माइनस सी स्क्वायर इधर रह गया, राइट, और इधर भी रह गया आपका ए बी माइनस सी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू 2c थी, तो सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, तो ए बी माइनस सी स्क्वायर कट कट के वन आ गया। कुछ नहीं करना, सिंपल सॉल्व करना है, सी आंसर है, ठीक है। मल्टी इसमें क्या करना है, आपने 18th में आपको दिया हुआ है कि एक्स इक्वल्स टू वाई रेस की पावर 1/a, जेड रेस की पावर 1/b, और जेड एक्स रेस की पावर 1/c, ठीक है। आपने क्या करना है, तीनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। आप तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स वाई जेड विल बी इक्वल टू एक्स वाई जेड रेस टू पावर 1/a, b एंड c, ठीक है। और ऑब्वियसली दोनों के बेसिस सेम है, तो दोनों की पावर्स क्या रहेंगी, इक्वेट हो सकती हैं। तो इक्वेट होने के कैसे रहेगा, इक्वेट होने के बाद ऐसे रहेगा, 1/a, b एंड c विल बी इक्वल टू व्हाट, 1, ठीक है। तो सीधी सीधी वैल्यू ए बी सी की क्या आ जाएगी, 1, बी इसका आंसर। अब देखो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है, और आपने, आपको ये दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर एक्स जेड के बराबर है, तो एक्स वाई जेड का ये कि ये रिलेशन है वो उसको निकालना है। तो आपने क्या किया, हमने यहाँ पे वाई की पावर का नेगेटिव ले लिया, ठीक है, जो सी माइनस ए था, आपने -1 कॉमन निकाल करके वाई को नीचे ले आए, तो ये बन जाएगी इसकी पावर, और आपने सीधा सीधा ये रिलेशन इस रिलेशन में पुट करना है, ये रिलेशन इस रिलेशन में पुट करना है, आपको सीधा सीधा 1 मिल जाएगा, सी इसका आंसर है। अब इसमें देखते हैं, सी सेज दैट, इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग माने अगर कोई भी पॉइंट ऐसे आ रहा है, जैसे 1, 2, 3, ठीक है, आपका आ गया 1, 2, 3, उसके बाद फिर ऐसे आ रहा है, फिर 1, 2, 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है, फिर 1, 2, 3 रिपीट हो रहा है, टिल 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 एंड, ठीक है, जिसका एंड नहीं है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और वेयर एज अगर ऐसा आ रहा है कुछ आंसर, जैसे 2, 3, ठीक है, 0.23, तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो सेज द रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, आप कह नहीं सकते, रैशनल नंबर ज़रूरी नहीं है टर्मिनेट करे, ठीक है, जैसे पाई भी अपने आप में रैशनल नंबर है, ठीक है, पाई टर्मिनेट नहीं करता, ठीक है, तो पाई भी रैशनल नंबर है, और इसीलिए आप इसको टर्मिनेटिंग नहीं कह सकते, ज़रूरी नहीं है कि टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। आप नॉन टर्मिनेटिंग भी एक पक्का नहीं कह सकते, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म की का होता है, ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म का होता है रैशनल नंबर, जिसमें क्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो पी बाई क्यू फॉर्म का कोई भी नंबर टर्मिनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हम पक्का नहीं कह सकते, इस ऑलवेज वाले काम नहीं कह सकते। अब देखो कि क्या है, ऑफ इरेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर कभी नहीं होता, इरेशनल नंबर हमेशा रिपीट, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, इसको हम रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर जो होगा वो हमेशा नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रहता है। तो ये क्या होगा, डी आज का आंसर है, ठीक है, सीधी सीधी स्टेटमेंट ये दी हुई है, कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होता है इरेशनल नंबर। आप देखते हैं यहाँ पे, इसमें बोला है कि भैया रूट्स जो हैं वो रेसिप्रोकल रूट है, एक रेसिप्रोकल है और एक रूट सिंपल है, मतलब अगर एक इस इक्वेशन का रूट मान लीजिए 5 है, तो 1/5 इसका सेकेंड रूट बनेगा, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो वैसे बात है, अगर एक्स इसका रूट है
तो 1 बाय एक्स उसका सेकेंड रूट बनेगा। आपने सेकेंड रूट 1 बाय एक्स लिया, सारी की सारी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो पी और आर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, अगर चेंज हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सीधा सीधा आंसर। अब यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, 65x-33y = 97, 33x-65y = 1, और एक्स वाई की मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू निकालनी है। देखो बहुत सही सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा अगर आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे। देखिए सिंपल सी टेक्निक है, बड़े वाली इक्वेशन को पकड़िए, बड़ी वाली इक्वेशन क्या है ये बड़ी, जिसमें 97 से आंसर जिसका बड़ा आ रहा है उसको पकड़िए, और उसमें छोटी वाली इक्वेशन को घुसाने का ट्राई कीजिए। जैसे कैसे, जैसे ये 65x है -33y = 97, ठीक है। अब आपने क्या घुसाना है, 33x-65y, आप यहाँ पे कैसे घुसाओगे, 65 को 33 और 32 में बांट दो, ठीक है, वेयर एज 33 को आप 65-32 में बांट दो, ठीक है। तो क्या करोगे आप बॉस, यहाँ पे आप देखो 33y है, -33y है, इसका मतलब -65 + 32 विल बी इक्वल टू 33, ठीक है, तो सॉरी -33। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, बड़ी वाली इक्वेशन को पकड़ा, उसमें ज़बरदस्ती छोटी वाली इक्वेशन घुसाई, और सीधा एक्स वाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू 3 आप निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आर उसके बाद आपने क्या करना है, छोटी वाली इक्वेशन लेनी है, राइट, छोटी वाली इक्वेशन लेनी है, और छोटी वाली इक्वेशन में आपने कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स करनी है जिससे मेरा सीधा एक्स प्लस वाई वाला फॉर्म ना करके एक्स को एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3-y अगर आप यहाँ पुट कर दोगे तो वाई की वैल्यू भी सीधी आ सकती है, 1 और 2 आएगी, और एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। एक्स प्लस वाई आना है, बाद में आपने एक्स या वाई में से किसी भी टर्म को दूसरे एक वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट करके इस वाली इक्वेशन में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा फॉर्म बन जाएगा क्वेश्चन का, बहुत छोटा सा एक सॉल्यूशन बन जाएगा, बल्कि आप अगर नॉर्मली इसको सॉल्व करने बैठोगे बहुत टाइम ले लेगा, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक्स को ज़रूर यूज़ कीजिएगा कि बड़ी इक्वेशन में आप छोटी इक्वेशन डाल के उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस देखो सबसे बड़ी बात, वही दोबारा बोलूँगा कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस के बिना कोई काम नहीं हो सकता अगर आप मैथ्स की बात करते हैं तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने कुछ नहीं करना, आपको ये वैल्यूज दी हुई हैं, आपको जबरदस्ती ये वैल्यूज को सोड़नी है, जबरदस्ती किसी को सोड़ोगे आप, ये देखो आपको ये वैल्यू दी हुई है, आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे लेके आओगे, आप बी एक्स को सेपरेट कर दो इस साइड और इस साइड, आप बी एक्स को सेपरेट करोगे, बी और बी कटेगा पहले वाले फ्रैक्शन में, और दूसरे वाले फ्रैक्शन में एक्स कट जाएगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, ए बाय एक्स प्लस वाई बाय बी, तो एक्स बाय ए की वैल्यू तो सीधी यहाँ से निकल सकती है, ठीक है, और बी बाय वाई की भी यहाँ से निकल सकती है वैल्यू, ठीक है, और उसको जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1 आपका आंसर आएगा इसमें। आइए अगले 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें सिंपल सा दिया हुआ है कि ए स्क्वायर -1/a = 5, एंड देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a6-1/a³। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बन जाता है, क्यों, क्योंकि आप a6-a को आप देखोगे, इतनी बड़ी सी टर्म को देखोगे, और ए स्क्वायर से a6 कैसे बनाए, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, एंड यू नो एट दैट टाइम जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और कंफ्यूज होकर इसको छोड़ दोगे। बट ऐसा नहीं करना, आप ये देखिए कि इसको 6 तो बनाना तो चलो बाद की बात है, सबसे पहले जो बन सकता है उसको बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे a का a³ बन सकता है, तो दोनों साइड क्या करिए, क्यूब करिए, ठीक है, क्यूब करोगे तो आपके दिमाग ये भी चलेगा कि 2 से भी 6 बन सकते हैं, तो दोनों को क्यूब किया, दोनों को क्यूब करके सीधा सीधा सा रिलेशन बना, और यहाँ पे हम ये भी यूज़ करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू दूसरी बार यूज़ हो गई, पहली बार तो यूज़ हुई थी क्यूब करते हुए, और दूसरी बार अब ये यूज़ हो गई, ठीक है, और इसको सॉल्व किया तो 140 सीधा आंसर आया सी। ओके, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है टेक्निकल सा थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ी बहुत आपको वैल्यूज टिप्स पे याद रखनी पड़ेंगी, मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक तो ये देखिए क्या कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है, ठीक है, याद रखना कि जब भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर होता है, इसका मतलब है कि जो आपका एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस जेड क्यूब आपका होगा 3xyz के बराबर, ठीक है, 3xyz के बराबर,
ये रिलेशन ज़रूरी है, याद रखना। ये कब होता है? ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आपको ये गिवन है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो आपको ये गिवन है, उससे रिलेटेड आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिएगा, ठीक है। और आपने क्या करना है, देखो y प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है। y प्लस जेड किसके बराबर है? y प्लस जेड किसके बराबर है? आप x को इधर ले जाइएगा, ठीक है। y प्लस जेड अपने आप में माइनस एक्स के बराबर है, तो माइनस टू एक्स का होल क्यूब बन जाएगा, दैट इज माइनस एट एक्स क्यूब। सिमिलरली आगे भी माइनस एट वाई क्यूब और माइनस एट जेड क्यूब, तो माइनस एट आप कॉमन ले लीजिएगा। सीधा सीधा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का ये रिलेशन जो मैंने बताया उसको अप्लाई कीजिएगा और माइनस 24xyz इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये पता होने चाहिए कुछ एक टिप्स। 26th क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखो कि ये इसका फैक्टर है, और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि बॉस अगर आप फैक्टर्स में x प्लस 3 को 0 लेते हो, अगर आप x प्लस 3 को 0 लेते हो, राइट, और आप उसमें x की वैल्यू निकालते हो, दैट इज अगर ये 0 हुआ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 3। और उस x को आप पुट करते हो इस फंक्शन में, दैट इज f ऑफ माइनस 3, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, ठीक है। ये फैक्टर थ्योरम कहती है, अगर वो फैक्टर है तो ही आएगी 0, नहीं तो उसका रिमाइंडर बच जाएगा वो, ठीक है। याद रखना कि अगर ये फैक्टर है तो ही वो वैल्यू 0 आएगी, नहीं तो उसका रिमाइंडर बच जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टर गिवन है, दैट मीन्स अगर मैं x की वैल्यू, ये जो माइनस 3 यहाँ से निकलेगी, x इक्वल्स टू माइनस 3, वो वैल्यू अगर मैं इसमें डालता हूँ, दैट इज f ऑफ माइनस 3 अगर मैं करता हूँ, तो मेरे को वैल्यू क्या आएगी? 0 मिलेगी। तो 0 में से मैं यहाँ पे k डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, k का आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। द स्मॉलेस्ट इंटीजर विद 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? 1000। 1000 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, आपको पता है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए 2 के जो स्क्वायर्स, 2 की जो 10 तक की पावर है ना, याद रखो इसको, बहुत काम आती है। 2 के 10 तक की पावर 2^10 1024 होता है, ठीक है, सीधा आपको ये याद रखना चाहिए। और क्योंकि 1024 अब इसके बाद का स्मॉलेस्ट है, तो दैट मीन्स दिस विल बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं 28th के लिए। देखो द फॉलोइंग इज अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल, नॉन जीरो पॉलिनोमियल की बात की गई। अब बॉस यहाँ पे देखोगे विच इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सॉरी, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल मतलब क्या है? देखो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल का मतलब कि इस पॉलिनोमियल का रूट, रूट को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, अगर बाय चांस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वर्ड आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? रूट, रूट ऑफ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक ही बात होती है, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है? कुछ निकालना है, इसका रूट निकालना है। आप इसमें से हिट एंड ट्रायल करके देखो, देखो एक्स की वैल्यू अगर आप जीरो डालते हो तो बॉस माइनस 7 रहता है, रूट हो ही नहीं सकता, जीरो तो हो ही नहीं सकता, जीरो को पहले ही एलिमिनेट कर दो। आप सीधा वहाँ पे 1 डाल के देखो तो 4, 5, 6, 7, 7 और माइनस 7 जीरो होता है, तो 1 विल बी द राइट आंसर। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एक क्वेश्चन जरूर आया है। यहाँ पे देखो दो नंबर्स हैं जो 21 से बड़े हैं। देखो सीधी सी बात है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको नोट करके रखना अपने दिमाग में, नहीं तो 21 अब सीधा आंसर कुछ 21 से रिलेटेड लिखे आओगे। बट इसको याद रखना कि ये 21 से बड़े हैं पहली बात, और उनका LCM और HCF गिवन है, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है? उनका सम निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है बॉस कि जो से दो नंबर HCF जिनका 21 है, दैट मीन्स कि 21 इंटू सम एक्स, 21 इंटू सम एक्स आपका नंबर दे देगा A। मान लीजिए नंबर है A और B, ठीक है, तो 21 इंटू सम एक्स आपका क्या दे देगा? A दे देगा। और सिमिलरली वही 21 इंटू सम वाई विल बी इक्वल टू B। मान लीजिए A और B दो नंबर्स हैं, तो दोनों में 21-21 का एक कॉमन फैक्टर बनेगा, ठीक है, कॉमन फैक्टर बनेगा, 21 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो इनका सम होगा वो भी 21 के बराबर ही होगा, सॉरी 21 का मल्टीपल ही होगा, दैट मीन्स 21 टाइम्स एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, सीधा सीधा आंसर है, ठीक है, ए प्लस बी।
ये इसके इक्वल होगा, दैट मीन्स इनमें से जौन सा भी नंबर 21 का मल्टीपल है वो बॉस आंसर दे देगा। अब 503 और 514 आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, 3 में डिवाइड ही नहीं होते हैं, ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी इनकी है ही नहीं। सीधा आप इसको ऐड करके देखोगे इनके नंबर को, तो 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता। 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, आपने करना है कि इनमें जितने भी नंबर्स हैं ना उन सबको ऐड कर लो। जैसे 5, 0 और 8 है, तो 5, 0 और 8 कितने बन गए आपके, 13 बन गया। 13 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 4, 1, 5, 10 बन गया, 3 से डिविजिबल अगेन नहीं है। तो ये दोनों तो है ही नहीं। अब बचे ये दोनों, ये 5, 4, 9, ठीक है, और ये 15, ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं, ठीक है। आप सीधा सीधा 21 से डिविजिबिलिटी ट्राई कर सकते हो, बस ए डिविजिबल है, बी डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, और आपने निकालनी है वैल्यू इसकी। अगेन घबराने वाली कोई बात नहीं है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सीधा सीधा ये वैल्यू मिल जाएगी। आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी बाय ए, ठीक है, और एडिशन ऑफ रूट्स क्या होएगा, माइनस बी बाय ए प्लस वन, इनको ऐड किया, सीधा सीधा आंसर सी इज द राइट आंसर। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछिएगा, और ज़रूर एक फीडबैक ज़रूर देना। जैसे मैं कहता हूँ, फीडबैक्स आर ऑलवेज़ वेलकम। मेरे को फीडबैक्स थोड़े कम मिल रहे हैं, अगर कुछ गलती हो तो ज़रूर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आप ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उस पर थोड़ा सा और क्लैरिटी करूँगा, थोड़ी सी और कमियों को इम्प्रूव करके आपके सामने पेश करूँगा। श्योर, प्लीज़ लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच मोर वीडियोज़, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए शेयर भी ज़रूर इसको कीजिएगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, टेक केयर, बाय बाय।